ठिठुरता रहा प्रदेश, अगले दो दिनों और सितम ढाएगी ठंड। नौगांव गुना में पारा 5.5 डिग्री। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज चैनल MP7 News। आप MP7 News चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मौसम संबंधित विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, मध्य प्रदेश में मौसम में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहा। अगले दो दिन तक ठंड ऐसे ही सितम ढाएगी। बताया जा रहा है कि दो दिन बाद उत्तर भारत में दो पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। इससे मध्य प्रदेश में बादल छाएंगे और न्यूनतम तापमान चढ़ेगा। ठंड से राहत मिलने लगेगी। बीते 24 घंटे की बात करें तो नौगांव और गुना में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। नौगांव में 5.6 डिग्री, गुना में 5.7 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। पंचमढ़ी में दिन के तापमान में बड़ी गिरावट रही। यहां अधिकतम तापमान 7.4 डिग्री गिरकर 15.6 डिग्री रहा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार गुना में 5.4, नौगांव में 5.6, दतिया रतलाम शाजापुर में 7, धार ग्वालियर में 7.2, टीकमगढ़ में 7.7, राजगढ़ में 8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश के प्रमुख शहरों में भोपाल में दिन का पारा 19.9 तो रात का 9.7 डिग्री रहा। इंदौर में 21.2 और 9.1, ग्वालियर में 19 और 7.2, जबलपुर में अधिकतम तापमान 20 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 11.7 दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में हुई बर्फबारी का असर है। इन्हीं बर्फीली हवाओं के चलते रविवार सोमवार को मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। शुक्रवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन और शाजापुर में कोल्ड डे रहा। दिन में ठिठुरन है। अधिकांश इलाकों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ। छिंदवाड़ा, मलाजखंड, शिवनी और मंडला में बौछारें पड़ी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि रविवार को एक कमजोर आवृत्ति का पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में प्रवेश करेगा। इसके दो दिन बाद 18 जनवरी को एक तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिमी विक्षोभ के देश के उत्तरी हिस्से में प्रवेश करने की संभावना है। इसके प्रभाव से वातावरण में नमी बढ़ेगी और बादल छाएंगे। इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं, लेकिन रात का तापमान बढ़ सकता है। शिवनी, मंडला, बालाघाट में बारिश। इंदौर, चंबल, भोपाल संभाग में कोहरा। मौसम विभाग ने प्रदेश के मलाजखंड क्षेत्र के जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा और चंबल, इंदौर, भोपाल संभाग के कई जिलों में कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश के शिवनी, मंडला, बालाघाट और आसपास के कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। रविवार को चंबल संभाग और इंदौर संभाग के कई जिलों सहित भोपाल संभाग के भोपाल, सीहोर, राजगढ़ में कोहरा रहेगा। मलाजखंड में 15.4 मिलीमीटर बारिश शनिवार को पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के मलाजखंड क्षेत्र में बारिश हुई, जो 15.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वहीं छिंदवाड़ा में 2.4, शिवनी में 1 और मंडला में 0.6 मिलीमीटर दर्ज की गई। कैसे रहेगा अगले 24 घंटे? मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, जबलपुर संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। अगले 24 घंटों की बात करें तो अनूपपुर, डिडोरी, बालाघाट, मंडला, शहडोल जिलों में कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं इंदौर, भोपाल संभाग के जिलों में तथा शिवनी, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, बैतूल, देवास, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, सागर, ग्वालियर, गुना, दतिया, दमोह जिलों में कहीं कहीं शीतल से तीव्र शीतल दिन रहने की संभावना है। मौसम संबंधी खबरों की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए हमारे साथ YouTube न्यूज चैनल MP7 News।